अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग के रमजान बिल्कुल अच्छे गुजर रहे होंगे। इन टुडेज वीडियो, एज यू गाइस कैन ऑलरेडी गेस फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो, कि मैं आप लोगों के साथ लॉजिक ऑफ इंग्लिश जो करिकुलम है उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर करूँगी। मैंने याहिया के साथ कुछ लेसन्स डेमोज इन्हें हमने किए थे और इन्होंने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पहले देना चाह रही थी। बस वो जो क्लिप है, ये वाला क्लिप जो भी आप लोग देख रहे हैं, इसमें इतना टाइम लग रहा था, मैं इतनी प्लानिंग कर रही थी, मुझे कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, रमदान की कोई रूटीन ऐसी थी कि वो बन ही नहीं पा रही थी वीडियो पर। आज ये थॉट किया, आई हैव टू सिट डाउन, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली मिसिंग इट, आई वॉज मिसिंग शोइंग यू गाइज वट वी आर डूइंग। और हम और भी इतनी चीज़ें किए जा रहे हैं, और मैं सोच रही थी यार ये पिछली ही नहीं अभी तक मैंने वीडियो बनाई, तो आगे वाली भी तो बनानी है, वो भी तो दिखाना है आप लोग को हम कैसे कर रहे हैं। एनी वे, सो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू दिस। सो ओके, लॉजिक ऑफ इंग्लिश क्या है? ये करिकुलम है। बाहर क्या होता है कि करिकुलम्स के हर सब्जेक्ट का भी एक पूरा करिकुलम होता है, यानी कि पूरे साल का, डेढ़ साल का, और बड़ी डिटेल में होता है। उसमें होता है क्योंकि होम स्कूलिंग बाहर बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब की जाती है, तो उसमें फिर जैसे एक स्टूडेंट की वर्कबुक होती है ना, जिसमें वो बच्चा सारा कुछ फिल करता है, फिर उसके साथ टीचर्स मैनुअल या फिर होम स्कूलिंग गाइड भी आती है। उसमें वो पेरेंट अगर घर पे है तो उसके लिए पूरी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किस तरह से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, बड़ी डिटेल में होता है क्या क्या आपको चाहिए वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, वो सब कुछ होता है। या फिर टीचर्स मैनुअल उसको कहते हैं, तो उसमें फिर वो टीचर्स के लिए होता है, यानी अगर आप स्कूल्स में करवा रहे हैं तो वो मैनुअल नॉर्मली वो जो बुक होती है, मोटी बुक होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वो टीचर्स के पास होती है। फिर उसमें टीचर्स के लिए सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने बच्चों को ये कैसे करवाना है। तो इस तरह से ये लॉजिक ऑफ इंग्लिश ए जो करिकुलम है, ये प्री स्कूल के बच्चों को भी आप करवा सकते हैं, एंड आप किंडरगार्टन के बच्चों को भी आप ये करवा सकते हैं। बेसिकली किसी भी बच्चे ने जिसने अभी तक कोई फोनिक्स प्रोग्राम फॉलो नहीं किया, उसको ये आप आराम से शुरू करवा सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा आई गेस 4 ईयर्स का है। अच्छा, मैं आपको अपनी थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता दूँ, जो मैंने याहिया के साथ शुरू किया था, तो शुरू में एक्चुअली यानी कि मैंने कब शुरू किया था, ये आई थिंक 6 मंथ्स पहले डिड आई स्टार्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 4 to 6 मंथ्स पहले मैंने ये जब शुरू किया था, तब याहिया वाज अभी जून में 5 ईयर्स का होगा, तो अब गेस के लिए तब उसकी क्या एज थी, तो उसने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। इनफैक्ट ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज एनॉयड, और मैं थोड़ा सॉरी थी यार, ये मैंने इतनी दूर से मंगवाई है बुक्स, तो ये याहिया तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँ। लेकिन अभी लाइक लास्ट मंथ व्हेन वी स्टार्टेड दिस, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट एंड ही इज़ एक्चुअली एंजॉइंग इट सो मच। तो इस तरह से बच्चे बिल्कुल उनका एकदम वो चेंज हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ज़रा सब्र से, ज़रा ध्यान से करना होगा कि बच्चे आपका बच्चा का इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मे बी आप थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें, दिन दोबारा से वापस आए इसके। अच्छा, अब सीन ये है कि ये आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ढूंढा सऊदीया में, मैंने बहुत ढूंढा सऊदीया में, मैं दुबई से बहुत चीज़ें मंगवाती थी, वहाँ पे भी मैंने ढूंढा, वहाँ पे ही नहीं मिले। ये बेसिकली अमेरिका में या कनाडा में होती है ये वाला चक्कर खेलने में, तो मुझे बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड की हेल्प के थ्रू एंड देन फैमिली मेम्बर्स जो कनाडा में थे वो आ रहे थे, तो उनके थ्रू फिर हमने फाइनली ये हमारे पास पहुँच गई, और जो मेरी खुशी थी वो तो मतलब मैं रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, सो हैप्पी टू सी दिस करिकुलम, मैंने बहुत अरसे से मेरी इस पर नजर थी। पर एनी वेज, अच्छा मैं आपको ना इसकी प्राइस बता देती हूँ, जो टोटल प्राइस है, जो अगर अब सारी चीज़ें इनकी जो फाउंडेशन ए है, यानी कि जो प्री स्कूल और किंडरगार्टन के लिए जो करिकुलम है, उसका अगर पूरा सेटअप हर चीज़ की खरीदेंगे, जो जो उन्होंने साथ मेंशन की हुई है, तो $159 का आपको पड़ेगा। एंड मैंने नोट किया कि उनके पास ऑनलाइन लेने का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप मतलब नहीं मंगवा सकते कि फॉर सम रीज़न आपको बहुत महंगा लग रहा है, व्हाटएवर, आपके ईमेल में आ जाता है, तो वो $74 का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये ऑप्शन भी है कि आप खुद सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि इस करिकुलम के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, और वो आप चूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो इस तरह से एक ऑप्शन है आपका चूज़ करने का, नहीं तो आप YouTube पर सर्च करें लॉजिक ऑफ इंग्लिश है, इतने रिव्यूज़ आपको मिलेंगे होम स्कूलिंग मदर्स के, ढेर सारे रिव्यूज़ हैं। बल्कि एक रिव्यू जो मुझे बहुत पसंद है, मैं नीचे लिंक में शेयर भी कर दूँगी, बहुत डिटेल रिव्यूज़। तो मैंने एक्चुअली वो देखी थी वीडियो, एंड देन फिर आई डिसाइडेड कि नहीं यार ये तो हम किसी काम के नहीं है, जैसे ये चीज़ें गेम टाइल्स हो, ये कार्ड्स हो, तो उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट यू वांट, ठीक है। सो चले, अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी डिटेल्स में जो जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं, एंड हाउ डू दे लुक लाइक। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट। इसमें सबसे पहले तो ये टीचर्स मैनुअल है, एज यू गाइस कैन सी। अच्छा, ये लेवल ए का मतलब ये है कि जो प्री स्कूल और किंडरगार्टन के बच्चों के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आप वैसे क्लासेस इस तरह से होती है ना, प्री स्कूल किंडरगार्टन grade 1 grade 2, तो इन्होंने इस तरह से किया है कि लेवल ए जो सबसे पहला बेसिक लेवल है, उसके बाद लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, एंड देन दैट वो आप ऑब्वियसली अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से यू गाइस कैन चूज़ के विच लेवल सूट्स यू बेस्ट। आई थिंक अगर आपने कोई फोनिक्स प्रोग्राम नहीं किया तो बेस्ट टू स्टार्ट विद लेवल ए, ठीक है। तो ये टीचर्स मैनुअल है जो मैंने लिया है, ये है जी कर्सिव
वर्ड बुक है, बेसिकली दिस इज़ द वर्ड बुक जो पूरी की पूरी उसके साथ आती है। उसके अंदर फिर ऑप्शन आता है कि आपने मैन्यूस्क्रिप्ट लेने के रेगुलर राइटिंग चूज़ करनी है या फिर आपने कर्सिव पहले सिखानी है। इनकी रिकमेंडेशन ये है कि आप कर्सिव बच्चों को पहले सिखाना शुरू करें, तो उसमें मैं थोड़ी डिटेल में आती हूँ बाद में। तो ये फिर हमने वर्ड बुक इसकी ले ली साथ। फिर ये डूडलिंग ड्रैगन्स ABC बुक ऑफ साउंड्स है, ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, एंड देन ये एक वाइट बोर्ड है। लेट मी शो यू गाइस, इसके पीछे से ये इस तरह से है, एंड देन इसके पीछे से इस तरह से। अगर कुछ बच्चे जैसे बड़ा लिखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे छोटा, या सो इट्स लाइक दिस। अच्छा, अगर मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ, उसमें आप गाइस कैन सी कि जो पूरी जो आते हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ टैक्टाइल कार्ड्स भी हैं, कुछ गेम कार्ड्स हैं, कुछ गेम टाइल्स भी हैं, कुछ स्पेलिंग चेक की भी होती है, कोई $8 की भी होती है सेपरेट जो है फाइल। तो मुझे वो बिल्कुल फजूल लगी, बिल्कुल बेकार लगी, किसी काम की नहीं लगी, तो मैंने फिर वो चीज़ें नहीं खरीदी। ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर इट, तो मैं बड़ा आपने फिर सोच के मैंने देखी है कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने सिर्फ वो ली। अच्छा, कर्सिव में फिर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगी, कर्सिव में ये होता है कि अब ये नहीं कि आपने कर्सिव चूज़ किया है तो हर चीज़ जो है जी अंदर से कर्सिव में लिखी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि जो टीचर्स मैनुअल है वो तो बिल्कुल सेम होता है, इनफैक्ट टीचर्स मैनुअल के अंदर फिर उन्होंने कर्सिव वाली इंस्ट्रक्शंस भी दी, यानी टीचर मैनुअल एक ही है, उसमें कर्सिव और मैनुअल वाला कोई चक्कर नहीं है। उस पर फिर उन्होंने कर्सिव वालों के लिए ऑप्शंस मतलब दी, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं जो आप अगर रेगुलर चूज़ करेंगे, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट ये लोग का नाम दे रहे हैं, तो वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन उन्होंने साथ दी हुई है। ठीक है, तो ये होगा, तो टीचर्स मैंने तो बिल्कुल वही है, और ये इसके अंदर क्या क्या है, लेसन किस तरह से प्लान किए हुए हैं, वो ऑब्वियसली हमने टेल यू दी डिटेल्स इन अ वाइल। एंड देन फिर वर्कबुक में भी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपने कर्सिव किया तो भी हर चीज़ जो है, हर इंस्ट्रक्शन हैं जैसे वो सब कर्सिव में लिखी होंगी, वो बिल्कुल रेगुलर फॉन्ट में उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन सारी वही दी हुई है। तो जिधर बारी आती है लिखने की, फिर वहाँ पर जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वहाँ पर बच्चे कर्सिव में सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब हर लेटर का फिर उन्होंने बच्चों को ना इस बीच बुक में ये भी दिखाया है कि किस तरह से डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वाले फॉन्ट्स पे आप उनको देख सकते हैं। दिस इज आल्सो रियली कूल, हर लेटर का इस तरह उन्होंने बच्चों को शुरू से एक्सपोजर दिया हुआ है कि हर लेटर आपको किस किस शक्ल में नज़र आ सकता है डिफरेंट जगहों पर। दिस वॉज अ वर्ड बुक, एंड देन फ्लैश कार्ड्स में पहले तो A to Z के सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले वाले तो। लेकिन जो मज़े की चीज़ इसमें है, देयर आर द रेगुलर फ्लैश कार्ड्स, इसके पीछे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस है कि हर लेटर की कितनी साउंड्स होती हैं। एंड ये भी अगेन आपने उनको सिखाना है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से हम सीख रहे हैं, एंड सो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोग मेरे साथ साथ सीखेंगे। तो इसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप शुरू से बच्चे को सारी साउंड्स एक साथ ही करवाएं, जैसे मैंने आया को क्या करवाई थी, सिर्फ एक ही साउंड, बेसिक साउंड्स। लेकिन ये लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने बच्चों को जैसे एक ही तीन साउंड्स है, एंड अ, तो दे आर सेइंग कि यू हैव टू टीच देम 3 साउंड्स एक साथ ही उसके, ठीक है। तो इस तरह से हर लेटर की जो है बी की एक ही साउंड है, तो वो सिर्फ एक ही इन्होंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। सी की 2 साउंड्स है, ख एंड सेंट में जैसे जो होता है। डी की भी एक ही साउंड है, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए सारे लेटर्स। फिर इसके बाद फिर अच्छा ये है कि ये जो अब आप चीज़ें खरीदते हो ना, तो ये सब लेवल्स की एक साथ ही, अब ये फ्लैश कार्ड ये नहीं कि सिर्फ लेवल एक हैं, देर एक्चुअली ये आगे जितने भी लेवल्स हैं उनके सब के एक साथ ही आ जाते हैं। तो लेवल ए में बेसिकली जो इन्होंने जो दिया हुआ उसमें आपने सिर्फ A to Z वाले कार्ड्स यूज़ करते हैं, बाकी कार्ड्स जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अगले लेवल्स के हैं, जब आप अगला करिकुलम ख़रीदोगे लेवल बी के टीचर मैनुअल्स आप बाद में अलग से ख़रीदोगे, लेवल बी का जो वर्ड बुक है वो आप अलग से ख़रीदोगे, ये दोनों चीज़ें आपने सिर्फ नहीं ख़रीदनी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें देर गनर बी द सेम, वो आप एक ही दफ़ा जब आप पूरा ख़रीदते हो सेट तो उसमें वो सारी आ जाती हैं। सो ये वाली लेवल ए में ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है अगले लेवल्स की है, उसमें सिर्फ A to Z सिंपल लेवल्स। चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करवा देती हूँ कि पहला लेसन किस तरह से प्लान किया गया है। तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस, कि सबसे पहले पार्ट में तो आपको जो है क्या क्या स्किल अचीव होंगी इस लेसन के थ्रू वो आपको पूरा दिखा देंगे, फिर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो उसमें जो है सारी आ जाएंगी लिखने के लिए। सो सबसे पहले जी फिनेमिक अवेयरनेस, अच्छा ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी लेकिन मैं आपको बल्कि ये करके दिखाऊंगी या के साथ, तो वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसी में आपको दिखाती हूँ इसके लिए अपना सारा कुछ। ठीक है, ये जो वाला पूरा पार्ट जो यहाँ तक करें मैंने या के साथ किया, आई एम गोना शो यू गाइस हाउ वी डिड इट। देन जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद ब्लेंड कंपाउंड वर्ड्स। अब जिस बच्चे को बिल्कुल फोनिक्स का नहीं पता तो उसको फोनिक्स की इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से देनी है कि आपने वर्ड्स को, सो आपने वर्ड्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें आपको कहना है कि आपने बच्चे को जैसे रेनबो है तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, तो आपने बच्चे को इस तरह से बोलना है रेनबो, और फिर आपने उसको बोलना है कि इनको ब्लेंड करो और मुझे बताओ कि वो क्या वर्ड बने, रेनबो।
जितनी जितनी से रेनबो, तो ये ब्लेंडिंग आप देख रहे हैं कि शुरू से ही वो फोनिक्स का यानी कि वो भी शुरू कर रहे हैं, देन ब्लेंडिंग भी वो साथ साथ बच्चों को वर्ड्स के थ्रू। आपको अगर याद होगा कि शुरू में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि किस तरह से आप डेली लाइफ में बच्चों के साथ इस तरह से कैसे देखें, यू गेट मी द इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने इससे आपको एक वीडियो में बताया था। तो वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि फुट बॉल, कैन यू ब्लेंड इट टुगेदर एंड से द वर्ड आउट लाउड, इससे आपने बच्चों को बोलना है। फिर पॉप कॉर्न, बैक पैक, तो बच्चा तेजी से बोलेगा बैक पैक, सेल बोट, सेल बोट, एयर प्लेन, एयर प्लेन, लैप टॉप, कैन यू ब्लेंड देम टुगेदर, लैप टॉप, बटर फ्लाई, कैन यू ब्लेंड इट टुगेदर एंड से द वर्ड आउट लाउड, बटरफ्लाई। सो दैट्स दैट, ठीक है। ये फिनेमिक अवेयरनेस होगी, इसके बाद हैंड राइटिंग वाला पार्ट शुरू होता है जिसमें वो कर्सिव का शुरू करेंगे। अब कर्सिव में भी ये सीन है कि वो पहले आपको स्ट्रोक्स सिखाएंगी कि आपने जैसे ए के लिए जो स्ट्रोक्स पहले सीखनी है इसको, फिर वो स्विंग स्ट्रोक कहेंगे एंड देन देयर इज अ रोल स्ट्रोक। अच्छा, कर्सिव में भी हमारा तो भी जो है इतना अच्छा अभी नहीं जा रहा, या इज़ नॉट रेडी, उसको बहुत मुश्किल हो रही है कर्सिव करने में। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, आई थॉट कि शायद वो कैचअप कर ले, बट ही इज़ नॉट एबल टू डू इट। आई एम गोइंग टू स्किप द कर्सिव फॉर नाउ, आई विल यूज़ दिस फॉर लेटर, पर कर्सिव अभी हम स्किप कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग, उसको बिल्कुल बेसिक जो स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स को सारे आते हैं लिखने, तो स्मॉल लेटर्स जो है मैं उसको सिखाऊंगी। तो कर्सिव वाला जो एंड वाला पूरा पार्ट है ना राइटिंग वाला, इसको तो हम स्किप कर रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश किया पर इट डिडंट वर्क। सो इसी तरह से ये सारे लेसन आगे से प्लान किए गए हैं। नेक्स्ट सिर्फ जो वर्कबुक है इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि शुरू में कैसे बिल्कुल बेसिक वही चीज़ें जो ब्लेंडिंग है, तो आपके पास ऑब्वियसली अगर ये नहीं है तो आप सिंपल फिर ये करें कि आप खुद इस तरह की वो चीज़ें प्रिंट कर लें, या आपके पास खुद आप ड्रॉ कर लें हाथ से इन बच्चों को, फिर करवाएं। पर आपने सिंपली उसको क्या बोलना है, आपने वर्ड उस तरह से बोलना है आउट लाउड जैसे मैं बुक में दिखाई थी, लाइक बटर फ्लाई, कैन यू फाइंड, मतलब कैन यू ब्लेंड द वर्ड टुगेदर एंड देन फाइंड इन ऑन द पिक्चर ऑन पेज एंड देन सर्कल इट। तो बस इस तरह से आयोग मैंने बोला था बटर फ्लाई, फिर वो ब्लेंड करता था बटरफ्लाई। तो ये इसमें शुरू में लेसन जो है ये राइटिंग वाले पार्ट स्किप करें, एंड ये वाले फिर मैंने आपको थोड़े से आइडिया जैसे दे दिए कि आप इस तरह की पिक्चर्स प्रिंट कर लें जो कि दो वर्ड्स, दो जिनको आप यानी सेगमेंट हो सकते हैं जो वर्ड्स, जैसे कि नोट बुक है, टूथ ब्रश है, उस तरह की पिक्चर्स आप प्रिंट कर लें एंड देन फिर आप उसको तोड़ के यानी कि बच्चों को बोलें, फिर उसको बोलें कि वो सर्कल के। तो ये देखें लेसन थ्री में भी अभी तक वही चल रही है, ब्लेंडिंग वर्ड्स टुगेदर, वही आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हो। साथ साथ वो राइटिंग चल रही है जो कि हम स्किप कर रहे हैं, बाकी सारी ब्लेंडिंग वर्ड्स टुगेदर बन रही है। एंड देन ये वाला पार्ट जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ए की कौन कौन सी शक्लें जो है वो होती हैं, तो ये बच्चों को सिर्फ देखनी होती है इस पेज में बच्चों को वर्ड बुक के। अब ये वन सिलेबल वर्ड्स भी वही आ गए, फिर आपने बच्चों को तोड़ के बिल्कुल बोलना है, लाइक वेयर इज बस, कैन यू सर्कल द बस, फिर वो बस बोलेगा एंड देन उसको सर्कल करेगा। इसी तरह से ऐप आप बोलेंगे, तोड़ के बोलेंगे एंड देन बच्चा उसको जोड़ेगा, ब्लेंड करेगा एंड देन उसको सर्कल करेगा, ठीक है। ये अगेन वही वाली चीज़ें हैं, वन सिलेबल वर्ड्स अगेन वही करना बच्चे ने। आपने बोलना है तोड़ के ऑर्स, ऐसे करके आपने बोलना है, फिर बच्चा उसको कलर करेगा। या ये वो कलर में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था तो खैर मैंने उसे बोला बस पॉइंट करके मुझे बता दो। तो ये लेसन सिक्स हो गया, एक्चुअली हम लेसन सेवन तक आ चुके हैं। या ब्लेंडिंग साउंड्स अगेन वही चीज़। अब ये फिर उसके बाद लेसन एट पे बिगिनिंग साउंड्स शुरू हो रही हैं, फिर आपने बच्चे से बोलना है कि इसकी बिगिनिंग साउंड्स का। खैर वो जब हम लेसन एट पे आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से करना है। Completely forgot to show you guys the Doodling Dragon book. मैंने अपनी सारी चीज़ें भी वापस रख दी टेबल पे, देन मुझे याद आया। Let me just show you guys कि ये क्या बुक है। सो बेसिकली इस पे हर लेटर पे उन्होंने छोटी सी एक पोम सी यानी कि लिखी हुई है बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, तो आपने बच्चे को जब ये इसको दिखेगा तो आपने तीनों साउंड्स बोल दिए हैं, ए ए एंड देन फिर ये जो तीनों साउंड्स हैं कुछ इस इन सेंटेंसेस के अंदर वो यूज़ हुए हैं, जैसे कि एप्पल and ants, ants, तो ये पहली साउंड है। देन सेकेंड साउंड ए, ए वाली जो साउंड है, स्नेक्स एट ग्रेप्स, वॉश अ वाली साउंड जो है, वॉश द वॉल्स, ठीक है। ये तीनों साउंड जैसे आते हैं, ये पोम्स है, फिर हर लेटर पे इन्होंने इस तरह से पोम लिखी हुई है बी की, ये देख सकते हैं। पोम कहने या सेंटेंसेस कहने, फ्रेजेस कहने, जिसमें बी की साउंड जो ज़्यादा यूज हो गया। इसी तरह से कार्ड्स डाइस, यहाँ पे वाली साउंड यूज हुई है सी की, क्रैकर्स राइस,
सर्कस क्लाउन कैस्टिंग क्राउन्स, डी की ए की साउंड है, देन देयर्स ई, ई की ए एंड ई साउंड है, ई साउंड, दो साउंड है, ए एंड ई, येलो लेमन्स एमरल्ड शेल्व्स, ईमस ईमेलिंग, ईबल एल्व्स, इट्स ईमस राइट, या दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द होल बुक, ए से लेके जी तक पूरी. Okay guys, so that was it for today. I really hope you guys got some inspiration from this video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Peace out.